لبيك لبيك لا شريك لك لبيك। अब जो शिया हज़रात कहते हैं बाग़े फ़ज़ल वगैरह की बातें, हज़रत फातिमा ने भी बिल्कुल विरासत का दावा नहीं किया, ना किसी और ने विरासत मांगी। हज़रत उमर ने अपने ज़माने में कसम देकर अली रब्बात से पूछा कि तुम्हें पता नहीं कि अल्लाह के रसूल ने कहा था जो मैं छोड़ दूँ सदका है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक। दोनों फरीक मानते थे कि ये प्रॉपर्टी जायदाद नहीं है किसी की, ये वक्फ है। मसला सिर्फ उसकी तवलीद का था, मैंने एक मस्जिद बनाई या मदरसा। मेरा बच्चा कहता मैं मुतवली बनूंगा, दूसरा कहता मैं बनूँ। हुकूमत कहती थी कि हम इसका इंतजाम करेंगे, मगर खर्च उसी तरह जिस तरह रसूलुल्लाह के खानदान को मिलता था खर्चा, उसमें राई फर्क नहीं आया, उसी तरह अहले बैत को मिलता रहा। किसी ने उसमें तब्दीली की बात छुपा लेते ना, भूखा किसी ने नहीं मारा। सिर्फ मुतवली जो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा अली को बनाओ, उन्होंने कहा नहीं। बागे फतह के वाकये में क्या बीबी को विरासत के उसूल कानून मालूम नहीं थे? नहीं मेरे भाई, ये मामला कुछ और था, ये बेसिकली मैनेजमेंट का इशू था। मेरी इसके ऊपर आप वीडियो देख ले, विरासत का मामला ही नहीं था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का मौके ये था कि ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट इसकी मैनेजमेंट मेरे हवाले होनी चाहिए, क्योंकि मैं खलीफतुर रसूल साहबा के इजमा से बनाऊं। तो नबी इस्लाम जब तक हुक्मरान थे मुसलमानों के, वो इसको लुक आफ्टर करते थे, उनके बिहाफ पे अब मैं करूंगा। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक के इस फैसले को हजरत अली ने तस्लीम किया, ठीक है। हजरत अब्बास भी मैनेजमेंट मानते थे बागे फतह के हवाले से, ये ज़हन में रखिएगा। ये सिर्फ हजरत अली और फातिमा का मसला नहीं था, वो भी अपने आप को अहले बैत शुमार करते थे। उस वक्त हज़रत बकर सिद्दीक ने जो डिसीजन किया, इससे बेस्ट डिसीजन पॉसिबल ही नहीं था। बुखारी मुस्लिम उठा के देखे, हजरत अब्बास और हजरत अली का भी झगड़ा हुआ है, हजरत उमर के पास भी हुआ उनके दौरे खिलाफत में, वो कहते थे कि मैं इसको लुक आफ्टर करूंगा। तो उस वक्त गिवन सर्कमस्टांसिस में जो बेहतर समझा उन्होंने किया, उनको क्या पता बाद में ये मुसीबत खड़ी हो जानी है जो हुई, और फिर वो देखे उमर बिन अब्दुल अजीज ने इसलिए दूसरा डिसीजन कर दिया। तो मेरे नजदीक मैंने आपको बता दिया कि सय्यदा का मुतालबा बिल्कुल हक और सवाब मुतालबा, कुरान मजीद के बिल्कुल ऐन कुरान की आयात से मुआफिक मजीद में है कि कुरान अंबिया विरासत उनकी होती है। हदीस अगर कहती है नहीं होती तो हम किसकी मानेंगे? लाजमी बात है कि हम कुरान मजीद की मानेंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अहले सुन्नत भी कहते हैं कि हमारे दरमियान में कुरान मजीद को छोड़ा है। तो इस पर तो अहले सुन्नत का भी यकीन और ईमान है। दूसरी बात यह है कि हम ये देखें कि हमारे अहले सुन्नत में ये बात कही जाती है कि जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला किस तरह खता कर सकते हैं, वो सहाबी रसूल है, उनसे खता नहीं, यानी उनका ये मौकफ दुरुस्त है। अगर सहाबी होने की वजह से जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का आप दिफा करते हैं, आप समझते हैं कि अगर हम इसमें जनाब अबू बकर की तरफ कोई कमजोरी दिखाएंगे तो एक सहाबियत का मकाम कम होगा।